अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम पाइथन की जो है फर्स्ट स्क्रिप्ट हम अपनी किस तरह एग्जीक्यूट करेंगे और हम पाइथन के ऊपर जो है सर्वर किस तरह बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप उबंटू यूज़ कर रहे हैं तो आपको इस कमांड के थ्रू आप पाइथन इंस्टॉल कर सकते हैं, और अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं जैसे मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ तो पाइथन का एक एक्सी फाइल मिलती है, एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर पाइथन फॉर विंडोज, वो आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे तो जैसा कि आपको यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, जो कि नॉर्मल प्रोग्राम्स की तरह होती है विंडोज में, आप उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास पाइथन इंस्टॉल हो जाएगी। अब जो है मैं ज़रा अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाइथन सॉरी पाइथन। तो जैसे कि ये मुझे दे रहा है कि पाइथन 3.11 मेरे पास इंस्टॉल है, जो कि मैंने ओबियसली इंस्टॉल की है। तो अब ज़रा फोल्डर पे आ जाते हैं, मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है, यहाँ पे मैं कमांड ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल पाइथन के नाम से, और इसके अंदर मैंने जो है देख सकते हैं कि इंडेक्स डॉट पाई की फाइल बनाई है। अब जब भी हम पाइथन की स्क्रिप्ट रन कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ लिखूँ प्रिंट, ठीक है, सेमी कॉलन्स नहीं लिखते, प्रिंट टेस्ट हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, मैंने सेव करी, कमांड लाइन पर आया, मैंने लिखा पाइथन और उसके आगे इंडेक्स डॉट पाई यानी फाइल का नाम, तो इसने कंसोल पे हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया। ये तो बहुत बेसिक सा स्टेप हो गया। आपको पता होगा वेरिएबल्स हम किस तरह डिफाइन करते हैं पाइथन में। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे वेरिएबल देने हैं तो इनपुट 1 इक्वल टू 1, इनपुट 2 इक्वल टू 22, हेलो वर्ल्ड, और इसके आगे मैं लिख देता हूँ इनपुट 1 प्लस इनपुट 2, और यहाँ पे आकर के मैं पाइथन की स्क्रिप्ट दोबारा रन करता हूँ। ओके, कॉन्केटेनेशन हम इंटीजर में नहीं कर सकते ना, तो उसके लिए मैं डायरेक्ट मैं कमांड लिखता हूँ, तो ये 23 प्रिंट हो गया। ठीक है, अब पाइथन के अंदर सर्वर किस तरह बनाना है, तो सर्वर बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास कुछ क्लासेस हैं जो हमें इंपोर्ट करनी होती हैं। मैं यहाँ पे कोड जो है कॉपी पेस्ट कर लिया, अपने पास मैंने पहले रखा हुआ था, तो HTTP सर्वर की जो है हमारे पास लाइब्रेरी है जिसमें से हम दो चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, रिक्वेस्ट हैंडलर और HTTP सर्वर। इसके अलावा यहाँ पे हमने दो वेरिएबल्स बनाए हुए हैं, सर्वर पोर्ट और लोकल होस्ट सॉरी होस्ट नेम। तो होस्ट नेम बेसिकली जो हमारा होस्ट होता है करंट सिस्टम उसके लिए हम यूज़ करते हैं, और अगर हम इस स्क्रिप्ट को लिनक्स के ऊपर डिप्लॉय करेंगे और वहाँ पे हम इसको रन करेंगे तो हमें होस्ट नेम देने की ज़रूरत नहीं, हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। बट पाइथन के ऊपर सॉरी विंडोज़ के ऊपर हम जो है लोकल होस्ट देते हैं या हम IP दे देंगे, तो IP से बाइंड करके जो है इसके ऊपर सर्वर बना देगा। अच्छा, इसका कोड सिंपल सा है, इसमें एक हमने क्लास डिफाइन की है, ठीक है, माई सर्वर की, और उसमें रिक्वेस्ट हैंडलर को डाल दिया, और उसके अंदर एक फंक्शन है, फंक्शन है डू अंडरस्कोर गेट का फंक्शन, जो कि सारी गेट की रिक्वेस्ट स्टोर करता है। इसी तरह अगर डू अंडरस्कोर पोस्ट का फंक्शन बनाएंगे तो जितनी भी पोस्ट की रिक्वेस्ट आ रही होगी वो उस फंक्शन के अंदर आएगी। तो अभी हम गेट को देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक इफ की कंडीशन लगी है जो कि पाथ चेक कर रही है इस रिक्वेस्ट हैंडलर का, कि अगर पाथ स्लैश है तो हम मुझे क्या करना है, या जैसे राउटिंग होती है हमारे पास, अगर हम फ्लास्क की बात करें या दूसरे फ्रेमवर्क से या दूसरी लैंग्वेज की बात करें तो उसमें हमारे पास राउटिंग होती है, बट क्योंकि हम कोर पाइथन के ऊपर काम कर रहे हैं तो यहाँ पे कोर थोड़ा सा लेंदी और अनस्ट्रक्चर्ड होता है, बट इस पर आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो मैंने बेसिकली किया ये कि अगर इसको स्लैश पाथ मिले तो एक रिस्पॉन्स सेंड करो 200 का, जो कि एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। हेडर्स मैंने सेंड करवाए कि टेक्स्ट स्लैश HTML भेज रहा हूँ मैं, हेडर्स को एंड किया है, और यहाँ पे मैंने जो है सक्सेस को राइट कर दिया जो UTF-8 के कैरेक्टर में। तो जब ये सर्वर चलेगा मैं उस पर विजिट करूँगा और स्लैश यानी बाई डिफॉल्ट जो राउट बनता है उसके ऊपर सक्सेस लिखा हुआ आ रहा होगा, ठीक है, ब्राउज़र के ऊपर से जब हम चेक करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे कुछ बाय डिफ़ॉल्ट एक जो है इनसे मैजिक फंक्शन है अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम, जो हम चेक करवा रहे होते हैं,
अगर ये मेन फाइल के बराबर होते तो हम इसके ऊपर HTTP का जो है सर्वर बना देते, जिस पर होस्ट नेम यहाँ से आ रही है और पोर्ट ये वाली पोर्ट आ रही है, और उसी के साथ हम कंसोल में प्रिंट करा दे रहे कि सर्वर जो है इस पोर्ट पे हमारा बन गया है। इसके अलावा अभी सिर्फ हमने इसको कॉन्फ़िगर किया, कॉन्फ़िगर करने के बाद हमें सर्वर को स्टार्ट करना होता है, तो उसके लिए हमारा ये वाला कोड है जो कि वेब सर्वर जो हमने ट्राई और कैच में रखा हुआ है कि वेब सर्वर को हमेशा के लिए सर्व पे डाल दो, यानी वो चलता रहे जब तक हमारी कमांड एग्जीक्यूट हुई है, जब तक हम उसको खुद एग्जिट नहीं करते, और इसके अलावा जब सर्वर अगर स्टॉप हो जाए तो फिर ये स्टॉप प्रिंट करें। तो चलें इसको हम जो है चला करके भी देखते हैं। तो मैं सेम कमांड चलाऊंगा पाइथन इंडेक्स डॉट पाई। तो जैसा कि यहाँ पे प्रिंट हुआ हुआ है सर्वर स्टार्टेड एट, यहाँ पे इसने कंसोल पे प्रिंट कर दिया। अब अगर मैं ब्राउजर पे आता हूँ और लोकल होस्ट 8000 में सर्च करता हूँ तो यहाँ पे सर्वर चल गया, ठीक है, और यहाँ पे सक्सेस लिखा हुआ आ गया। तो इस तरह से जो है पाइथन का इनिशियल सर्वर जो है हम इसको चला सकते हैं। और इसके अलावा हम यहाँ पे दूसरे पाथ या राउट भी डिफाइन कर सकते हैं, उसके ऊपर हम जैसे कि यहाँ पे हम राइट करवा रहे हैं तो यहाँ पे हम पूरी पूरी HTML जो है भेज सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको H3 में रख दूँ, सेव करूँ, सर्वर हमें दोबारा से चलाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं ज़रा सा जो है क्लोज की CMD और पाइथन इंडेक्स डॉट पाई, इसने दोबारा से सर्वर चला दिया और मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये विश HTML जो है उसके सारी स्टाइलिंग वगैरह भी जो है आ गई। इसी तरह से हम यहाँ पे दूसरे पार्ट डिफाइन कर सकते हैं, स्लैश Path1 पे ये काम हो, बाय डिफॉल्ट कुछ ना हो। तो इस तरह से जो है हम पाइथन के ऊपर अपनी जो है इनिशियल जो सर्वर हम क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरह मज़ीद चीज़ें भी हैं, मज़ीद मेरी पाइथन के ऊपर वीडियो है कि हम किस तरह से, क्योंकि अगर मैं इस कमांड लाइन को या जहाँ से मैंने लॉगिन करके सर्वर स्टार्ट किया इसको मैं बंद कर दूँ तो पाइथन का सर्वर जो है वो बंद हो जाता है बेसिकली। तो अब इसको बैकग्राउंड में किस तरह रन करना है ताकि हमेशा सर्व करते रहे, जिस तरह हम वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं वो कभी भी हम इंटरनेट के थ्रू जो है उसको सर्च कर सकते हैं, तो जब तक वो चलती रहे यानी बैकग्राउंड में उसके प्रोसेसेस चलते रहे, तो उसके लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको सुपरवाइजर के थ्रू जो है किसी भी पाइथन की स्क्रिप्ट को बैकग्राउंड में चलाना जो है सिखाऊंगा। तो मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक।